घूम रहे ठंडे पूरी तरीके से वो लगे रहते हैं एक भट्टी के सारे से, उसे वो खूबसूरत बनाने में हर वक्त अपना अपना तन मन धन से वो काम करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ उनकी हालत क्या है। उनकी हालत ये, मैं बहुत से माध्यमों से मिला, उनकी उम्र ताउम्र टूट गई काम करते करते माली गिरी पर। लेकिन कसम खुदा की मुझे अफसोस हुआ कि उनका डेली वीजा पर ही उन्हें चले जाना पड़ा। न जाने कितने को चले गए और कितने जाने वाले हैं। तो थोड़ा सा शेखुल जाने साहब उन माजियों की तरफ फिकर करें, उन प्रोफेसर से ज्यादा, क्योंकि हमारी खूबसूरती बढ़ाने पर उन माजियों का ज्यादा हिस्सा है। तो आप उनको गौर फिकर करने के लिए। और दूसरी चीज मैं सवाल करता हूँ अपने गुरु को, अपने और देश पे खड़े रहने वाले अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए वो रात दिन इस तरह से खड़े होते हैं, अपनी जिम्मेदारी बाखूबी भी निभाते हैं। हमें कोई तकलीफ ना हो सिर्फ इसलिए अपने पैरों पर तंग लेकर वो कोटों पर खड़े रहते हैं। तो हमें इस चीज को गर्मान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सैयद के रजूर नौजवानों में से है। तो सैयद के रजूर नौजवान वो नहीं हो सकते जो अपने मफाद की बात करें, बल्कि वो होते हैं जो पूरे आवाम की बात करे, वो हर इंसान की बात करे जो इस घर से ताल्लुक रखता हो, उसका जमीन से ताल्लुक रखता हो। तो और मैं कहना चाहूंगा अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कि मेडिकल, जैन मेडिकल और एक मॉडर्न ट्रामा सेंटर, सर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप इसी ना करें क्योंकि बहुत बात अहम है। मैं सर आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि जैन मेडिकल को ट्रांसफर करकर ट्रामा सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया, वहाँ इमरजेंसी ओपीडी और वहाँ वार्ड में शिफ्ट कर दी है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इतना बेहतर बुरा हाल है वहाँ मेडिकल में, तो हमारे जो स्टूडेंट जाते हैं तलबा बरादरी जो जाता है, मरीज जो आते हैं, डॉक्टर का जो भी है पेशेंट्स वो अपना काबू नहीं कर पाते। मैं समझ सकता हूँ कि वो पूरे दिन मेहनत करते हैं, लेकिन मैं बड़ा मेहरबानी आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप उन्हें एक बार तनकीद करें, नसीहत करें कि जो आए आपसे जरा नरमी से बात करें, क्योंकि तलबा जो भी है, तलबा हम भी है, स्टूडेंट जो भी है और स्टूडेंट हम भी है। तो थोड़ा सा नरमी से बात करें और वो दुख समझ कर उस पर दबाव करें। ये ना हो तो हमसे इस तरह से बात करें कि हम किसी गैर बरादरी से आए। तो सर प्लीज आप लोग उनसे तनकीद कीजिए, गुजारिश कीजिए। और तीसरा मसला ये हेल्थ सेंटर के जाने को मैं कहना चाहूंगा, शारीर अदन साहब यहाँ बैठे हैं और शारीर अदन साहब मैं समझता हूँ मोस्ट सीनियर डॉक्टर वहाँ के हेल्थ सेंटर में है। तो शारीर अदन साहब आपसे मेरी मोहतरमा की दरख्वास्त है कि हेल्थ सेंटर में जो भी तलबा जाता है, तालिबा जाता है अपने मर्ज को लेकर, वहाँ जो डॉक्टर तशरीफ फरमा होते हैं उनके एक्यूट को थोड़ा सा सुधार लाइए, ताकि वो अपना स्टूडेंट अपने मर्ज की दवा मांग सके, ये ना मांगे कि उन्हें देखकर उभार आए। क्योंकि इलाज कराते में टर्न ये लगता है कि कहीं उन्होंने टर्न की जगह इंजेक्शन किसी और चीज तरह लगा दिया या बैग की तरह के रूम में बना दिया। तो ये चीज है, मैं आपसे बहुत दोबारा दरख्वास्त करता हूँ कि वहाँ तीन डॉक्टर मस्त रहने चाहिए, एक गायनिक और एक आपका सर्जरी और एक मेडिसिन का, ये परमानेंट डॉक्टर वहाँ रहने चाहिए और 24 आवर्स। सर प्लीज आप उसका गौर करिएगा। और मैं बात करना चाहता हूँ प्रॉपर्टी ऑफिसर, यहाँ सर मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिए, सबको बोलना है और वही सारी बातें बोल रहा हूँ। तो सर मैं ये कहना चाहूंगा प्रॉपर्टी ऑफिस से, हमारे बीच में कर्नल भी है, जनरल भी है, सब चले गए, लेकिन अभी तक हमारे बीच में मेजर साहब रह गए जो अरकन साहब है प्रॉपर्टी ऑफिस से। जरा उनसे कहिए उनका जो पैक डायलॉग है ये दुकान लो या मकान लो 50,000 दो, उनसे कह दीजिए आप जरा बंद कर दें वरना शायद हम उनके भारी पड़ जाएंगे। और उनके बहुत से डायलॉग हैं, खैर ये बात मैंने सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि आपको शायद जहनों में ना हो बात, मैंने इसलिए बता दिया। और दूसरी बात ये कि तलबा के डाइनिंग हॉल का मसला जो आप जल्द से सॉल्व कर दें, अलॉटमेंट का मसला वो सबसे पहले आप सॉल्व करें, क्योंकि रहने में जिसको दिक्कत होती है ना तो पढ़ाई कर पाता है ना अपनी जिंदगी को बसर कर पाता है। बस मैं यही कहूंगा क्योंकि शेखुल जाम के सामने कह दिया है, हमारे वालिद हैं, हम तो वालिद समझते हैं, अब खैर आपसे जो भी समझे, लेकिन हम आपसे नहीं बहुत तमाम दरख्वास्त करेंगे कि हम आपको बड़ा कल भी कहते थे, बड़ा आज भी कहते हैं और हम आपसे दो रिश्ते रखते हैं, एक तो अलीगढ़ बरादरी का रिश्ता रखते हैं और दूसरा शेखुल जाम का रिश्ता रखते हैं।
हम बड़ा बार इसलिए कहते हैं तो अलीगढ़ का जो ट्रेडिशन है जो हमारे बड़ों ने बताया कि पहले हम उन्हें भाई कहकर बात कर सकते हैं चाहे वो टीचर हो जाए या प्रोफेसर हो जाए। तो मैं सर भाई भाई कहकर मैं आपसे कहता हूँ कि सर हम नशी से लिख लेगा हमारे पाँव बताएगा हमें से लिख लेगा।